दोस्तों क्या आप भी हर महीने वृंदावन जाते हैं? दोस्तों क्या आप भी वृंदावन में गोवर्धन बाकी बिहारी मंदिर राधा वल्लभ मंदिर तक ही सीमित रह गए? हमें जरा भी आपत्ति नहीं है इस बात से कि आप बाकी बिहारी मंदिर जाते हैं या गोवर्धन जाते हैं, बल्कि हमें तो इस बात से आपत्ति है कि आप भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को बड़े ही सीमित दायरे तक देख रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने तो वृंदावन में न जाने कितने ही चमत्कार किए हैं, जिसको देखकर पूरी दुनिया आज भी हैरान है। इसलिए आज हम आपको वृंदावन के उन 6 रहस्यमयी जगहों के बारे में बताएंगे जिन्हें देखकर या जिनके चमत्कार सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। सबसे पहला केसी घाट। केसी घाट के बारे में तो आप अच्छी तरह ही जानते होंगे। केसी घाट पर अगर कभी गए हो तो आपको पता होगा कि यहाँ कितनी शांति और सुकून मिलता है, इसलिए ये भक्तों को बहुत आकर्षित करता है। दोस्तों अगर आप यहाँ पर यमुना के तट पर शाम को या सुबह को बैठेंगे तो आपको अलग ही सुकून, अलग ही आनंद की प्राप्ति होगी, क्योंकि सूर्यास्त और सूर्योदय के समय पर यहाँ की सुंदरता कई गुना बढ़ जाती है। और साथ ही में अगर आपको मौका मिले तो यहाँ की शाम की आरती में भी हिस्सा जरूर लें। अब आप खुद सोच कर देखिए, जिस घाट पर भगवान श्री कृष्ण ने केसी नामक राक्षस का वध किया हो और साथ ही उस नदी में स्नान किया हो, वो भी भगवान श्री कृष्ण ने, तो सोच कर देखिए ऐसे घाट पर आने का मौका आप कैसे गवा सकते हैं, वो भी वृंदावन में आने के बाद। इसके साथ ही बोलिए बाकी बिहारी लाल की जय। अगला मंदिर जो है वो राधा रमन जी का मंदिर है। भगवान श्री कृष्ण को यहाँ राधा रमन माना जाता है, मतलब पता है आपको राधा रमन का? माना जाता है इस मंदिर में भगवान राधा रमन जी की 3 छवि दिखती है, जिसमें एक छवि गोविंद देव जी की तरह दिखती है, एक छवि वृक्ष स्थल वाले गोपीनाथ जी की तरह दिखती है और तीसरी छवि चरण मदन मोहन जी की तरह दिखती है। अब इससे ज्यादा हम आपको नहीं बताएंगे, वृंदावन तो जाते ही यार दर्शन कर लेना। दोस्तों अगला मंदिर बताने से पहले हम आपसे जानना चाहते हैं कि आपने कभी वैकुंठ का दरवाजा देखा है? दोस्तों वो वाला नहीं, हम तो धरती वाले वैकुंठ के दरवाजे की बात कर रहे हैं। दोस्तों ये दरवाजा भी वृंदावन में है। अब आप सोच रहे होंगे कि हम कौन से मंदिर की बात कर रहे हैं। दोस्तों हम रंग जी मंदिर की बात कर रहे हैं, जहाँ का वैकुंठ का दरवाजा सिर्फ साल में एक बार खुलता है, वो भी वैकुंठ एकादशी के दिन। तो आप भी जाइए कभी वैकुंठ के इस दरवाजे को पार कीजिए। माना जाता है जो भी मनुष्य इसे पार करता है उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। अगले मंदिर का नाम इमली तला मंदिर है, जिसके पीछे बड़ी ही अनोखी कहानी है और मान्यता भी है। माना जाता है कि एक बार राधा रानी रास के बीच में ही गायब हो गई थी, तो कृष्ण भगवान इमली के पेड़ के नीचे बैठकर अलगाव की दुखद भावना में लीन हो गए और राधा माता के मधुर नाम का जाप करने लगे। दोस्तों इसीलिए इस मंदिर को इमली तला मंदिर कहा जाता है। दोस्तों अगला मंदिर है पागल बाबा मंदिर। दोस्तों माना जाता है जब एक भक्त का मामला कोर्ट तक पहुंच गया, तब खुद बांके बिहारी जी ने आकर कोर्ट में गवाही दी थी। ये मंदिर 221 फीट ऊंचा संगमरमर से बना बड़ा ही सुंदर मंदिर है। दोस्तों अगला मंदिर रहस्य से भरा है, जिसका नाम है सेवा कुंज। ये मंदिर निधिवन से करीब 1 किलोमीटर की दूरी पर है और यही वो वन है जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण गोपियों के साथ रास लीला करते थे और माना जाता है श्री कृष्ण ने राधा रानी की सेवा भी की थी, इसलिए इसे सेवा कुंज भी कहा जाता है। दोस्तों वीडियो को लाइक बेशक न करें, लेकिन इसे शेयर जरूर करें ताकि और भी भक्तों को वृंदावन की खूबसूरत मंदिरों के बारे में पता चले। और देखते रहें सुपर ज्ञान हिंदी। जय हिंद जय भारत।